हेलो दोस्तों, साई केतन राव की एक गर्लफ्रेंड है, ये बिग बॉस के घर के अंदर ही पता चल गया था। दोस्तों ग्रैंड फिनाले के दौरान शिवानी बिग बॉस के घर में साई केतन को सपोर्ट करने के लिए आई थी और तब व्यूवर्स ये आस लगा रहे थे कि शिवानी उनकी गर्लफ्रेंड है और उन्हीं के साथ उनकी शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों उन्होंने इस बात को कन्फेस किया कि उनकी शादी होने वाली है लेकिन किससे होने वाली है उन्हें पता नहीं है, और शिवानी की भी शादी होने वाली है लेकिन किससे होने वाली है उन्हें पता नहीं है। चलिए देखते हैं। आपने नेशनल टेलीविजन पे हाँ बोल दिया था शिवानी मैम को लेकर, तो उस पे आपका क्या कहना है? वहाँ उस दिन दो मुद्दे उठे थे, एक शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी थी शादी के बारे में। लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, उनको लगा कि दोनों एक ही चीज़ है। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहूँगा, वो कब होगी किसके साथ होगी ये मुझे पता नहीं, और शिवांगी की भी शादी कब होगी किसके साथ होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी होगी आई विश और ऑल द बेस्ट एंड आई विश माई सेल्फ ऑल्सो ऑल द बेस्ट। तो जब भी वक्त आएगा शादी का मैं ऑफ कोर्स मैं मीडिया में सबको बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों साई केतन राव ने साफ साफ कहा कि उनकी शादी शिवानी के साथ नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो उनकी काफी अच्छी दोस्त है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उनके साथ वो शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से बिग बॉस में साई केतन के लाइफ में शिवानी की एंट्री कराई गई थी, उस समय डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि शिवानी और साई केतन की शादी होने वाली है, लेकिन अब उन्होंने सारी चीजों को एकदम क्लियर कर लिया। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार है कमेंट्स कर अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएगा।